सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम लेटेस्टली। फिल्म एक झूठ बोलने का ही माध्यम होता है, मतलब आप एक काल्पनिक दुनिया आप तैयार करते हो। बहुत कम फिल्में ऐसी कि आपने राइटिंग बहुत ख़राब कर लिया और फिल्म अच्छी हो गई, जो मुझे लगता है वो करता हूँ। अब मराठी फिल्म है तो मराठी किया, जब हिंदी लगेगा कि ये फिल्म हिंदी करनी है हिंदी करूँगा। नागराज मंजुए, ये जब नाम जहन में आता है, जहन में क्या बड़े पर्दे पर जब भी आता है तो बात या चर्चा होती है फिल्मफेयर अवार्ड्स की, नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, या फिर 100 करोड़ की। तो ये जो मिलाप है, ये जो संगम है, वो क्या होता है, उसके इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे गणित चलता है, जानते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हिमसेल्फ। घर बंदूक बिरयानी, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल आपके अलग रहते हैं। ये जो टाइटल है घर बंदूक और बिरयानी, धासू अलग, बहुत ही ज़्यादा क्वर्की। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लेटेस्टली सर। थैंक यू। और आप बताएं कैसे शुरुआत करेंगे? शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि जैसे आपने कहा कि घर बंदूक बिरयानी, एक अलग, थोड़ा सा धासू भी लग रहा है, थोड़ा सा वियर्ड भी लग रहा है, ऐसा टाइटल है। लेकिन मैं सबको यही कह रहा हूँ कि जिस तरीके की कहानी है वैसे ही ये टाइटल है। और मेरे पहले की फिल्मों के टाइटल्स एक शब्दों में रहते थे, आज तक के जितने भी हुए हैं, तो ये थोड़ा सा अलग टाइटल है और अलग फिल्म भी है जी। जिस तरीके का आशय या कहानी जिस तरीके की है उसी को एकदम ठीक से रिप्रेजेंट करने वाला ये टाइटल है, घर बंदूक बिरयानी। ये नेचुरल इवोल्यूशन है, प्रोग्रेशन है कि या आपके जहन में ये चलता है कि मराठी फिल्म करूँ, फिर हिंदी फिल्म करूँ, फिर आई गो बैक टू मराठी, और दिस इज़ द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट, जैसे बोलते हैं कि एक प्रोवर्बियल जैसे भाषा में, नहीं नहीं, दैट्स द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट, दैट्स द डिमांड ऑफ द मीडियम। तो ये चलता है या उसके ऊपर भी कोई गणित है आपके जहन में? नहीं, मैं ऐसे गणित ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मुझे जो लगता है वो करते जाता हूँ। ऐसे सोच सोच के इतना प्लान करूँ तो वैसा मेरी आदत है नहीं। तो मैं जो मुझे इंटरेस्ट आता है जिस बात पे वो मैं करता हूँ। और कभी कभी प्रायोरिटी रखना पड़ता है कि ये नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गणित नहीं है उसमें। और टाइटल में जैसे बोलते हैं घर, टाइटल देखिए, टाइटल तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फिल्म या किसी भी चीज़ का आप टाइटल रख रहे हो तो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कहानी को ठीक से रिप्रेजेंट भी करना चाहिए, और उत्सुकता जो है लोगों की, इंटरेस्ट वो भी जगाना चाहिए। कुछ बात कहनी चाहिए, बहुत कुछ उसने छुपाना चाहिए फिल्म से पहले, और फिल्म के बाद जब आप देखेंगे तो आपको लगना चाहिए हाँ ये टाइटल ठीक है, उसका जो कहानी है उसको ठीक टाइटल यही है, इतनी सी बात है वो। सर अलग अलग उपलब्धियाँ होती हैं, नेशनल फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिले, 100 करोड़ जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, वो ये सारी चीज़ों का आप प्रेशर नहीं लेते, हमें पता है, बट कुछ तो चलता होगा जहन में कि मतलब इस पर मुझे खरा उतरना है, इस बार ये मेरी चैलेंज है या इस पर ये मेरी कसौटी है। देखिए किस बात पे उतरना है, हर बार यही कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक करना है, 100% देखे करना है, आप जो काम कर रहे हो उसमें आनाकानी करनी नहीं है, यही है। तो ये प्रेशर तो खुद का है, और ये पहले भी वही था, आज भी वही है, जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक ठाक करो, अपना 100% देके करो। अब ये हुआ है तो इसका मतलब ये मुझे करना है, तो ऐसे ऐसे चलता नहीं है, ऐसे होता नहीं मेरे बारे में, तो मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ। मुझे जो करना है वो ठीक ठाक काम मैं करने की कोशिश करता हूँ, उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो अलग बात है। उससे कुछ तो हमारे दिमाग में चलते रहता है कि अगर तारीफ होती है तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी प्रेरणा ज़्यादा मिलती है, कभी मायूसी मिलती है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके काम पर, अगर उससे कुछ मतलब काम का कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, आप जो कर रहे हैं वही करना पड़ता है आपको। ओके। और इतने सारे एलिमेंट्स हमने देखे ट्रेलर में, आपका जो अवतार है धासू है, काफी लोग बोल रहे हैं साइड में करो सिंघम को, साइड में करो दबंग को, ये जो पुलिस अफसर है वो काफी अलग है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। जाहिर सा सवाल यही होगा कि आपका क्या प्रिपरेशन था, आप अंदर कैसे घुसे, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग करके पूछूंगा, एक बार अंदर घुसने के बाद बाहर कैसे निकले, क्योंकि वो जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पर और अभी जो मैं हमसे बात कर रहा हूं आपसे, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो क्या रिस्टोर करने के लिए अपनी पर्सनालिटी फिर से उधर काम करना पड़ता है? नहीं, सिर्फ दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर है जिस तरीके का किरदार था, तो वो फिल्म एक झूठ बोलने का ही माध्यम होता है, मतलब आप एक काल्पनिक दुनिया आप तैयार करते हो। जो इंस्पेक्टर है वो राया जो है, राया पाटिल, तो वो मैं प्ले कर रहा हूँ, तो उसकी कार उस वो रोल प्ले करने के लिए जो भी ज़रूरी है, पर्सनैलिटी पे जो भी चीज़ें हैं, कॉस्ट्यूम, हेयर, जो भी आप कर रहे हैं, या लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, वो हम वहाँ करते हैं, तो उसमें इतना
ये करना ये नहीं है। कभी कभी इमोशनली आप फंस जाते हैं तो थोड़ा सा देर लगती है, लेकिन ये किरदार तो मेरे लिए मतलब इतना मुश्किल नहीं है कि सिर्फ बस ये लुक हटा दो, मैं वही हूँ। अच्छी बात अब ये हो रही है कि फिल्मों में और फिल्म प्रोडक्शन में कि जो राइटर्स हैं उनको अपना ड्यू मिल रहा है, लोग कितनी राइटिंग बढ़िया होती है अब उसके मायने और कितना सिग्निफिकेंट होता है वो काम अब जानने लगे हैं, और उतना उनको आई होप कि उतना पैसा मिल रहा है शायद। लेकिन बतौर राइटर जब कोई सीख कर आता है, यू होल्ड MA इन मराठी लिटरेचर, तो ये चीज़ एक तो पॉजिटिव है लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको थोड़ी सी तकलीफ भी देती है अगर राइटिंग में थोड़ी सी यहाँ की वहाँ हो जाए, ए से 20, 10, 20, 19 हो जाए, तो एज अ राइटर आपको, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर आपको लगता है कि हाँ राइटिंग में ये बदलाव हो सकते थे, ये ट्वीक हो सकता था, तो ये चलता है जहन में? क्योंकि राइटिंग ही बेस है ना, मतलब फिल्म की कहानी प्लान गलत है तो पूरा एग्जीक्यूशन गलत हो जाएगा, तो राइटिंग सबसे मतलब ज़रूरी चीज़ है। मतलब जो भी फिल्म अच्छी होती है उसकी राइटिंग अच्छी होती है, बहुत कम फिल्में ऐसे कि आपने राइटिंग बहुत ख़राब कर लिया और फिल्म अच्छी हो गई, ऐसी फिल्म मतलब बहुत कम मिलेंगी मुश्किल से। राइटिंग ठीक होना ही चाहिए, तो आप एक्टर हो तो भी आप सोचते हो, बात करते टाइम डायलॉग कर रहे हो तो लगता है कि ऐसे भी हो सकता है और बेहतर क्या होना चाहिए। और डायरेक्टर के तौर पर भी जो राइटर लिखता है, मैं खुद राइटर होता हूँ, मैं खुद डायरेक्शन करता हूँ, तो जब डायरेक्शन करता हूँ तो मेरी जो राइटर एज अ राइटर जो खामियाँ हैं तो मैं सुधारता हूँ, लेकिन एज अ राइटर जितना बेहतर कर सको वो करना चाहिए, ताकि जो भी प्लानिंग हो, क्योंकि जो आगे का प्लानिंग होता है वो पूरा कितना कमर्शियल होता है, आपका लिखने में कुछ समय जाएगा या आपका वक्त खुद का जो है वो जाएगा, लेकिन जब फिल्म बनाते हो सेट पे जाके तो कुछ लाखों करोड़ों की बात होती है, तो उधर की गलती जब ज़्यादा महंगी पड़ती है, तो आप जब मेज़ पर आप बैठ के आप लिख रहे हो तो वो इतना क्या कहें, इतना खर्चीला मामला है नहीं। राइट, जस्ट बिफोर द इंटरव्यू मैं आपका पहला वाला इंटरव्यू पढ़ रहा था इसी फिल्म से लेकर, और जाहिर सा सवाल ये था, फैन से रिलेटेड शायद ये उस एंगल से आया होगा कि परशा दिख रहा है हमें, आर्ची क्यों नहीं दिख रही है, और आपका आंसर ये था कि हर फिल्म की डिमांड अलग होती है, कास्टिंग अलग होती है, सेफ ये रहता या कमर्शियल ये रहता नहीं, आर्ची भी आती तो ज़्यादा ऑडियंस शायद थिएटर में आती, तो वो कैलकुलेशन आपके जहन में कभी नहीं था? नहीं था। और देखिए आर्ची के लायक जो रोल है वो उसको कहने के लिए मैं करने के लिए बोलता हूँ, ये रोल नहीं था वैसे, और साइली इस रोल के लिए मुझे लगा कि एप्ट है, और ये मेनली ये तीन लोगों की कहानी है आप फिल्म देखेंगे तो, और साइली ने जो भी काम किया बहुत इंटरेस्टिंग किया है, और जिस फिल्म को जो ज़रूरत थी वो करने की कोशिश करता हूँ मैं। आपके हर फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर होता है और म्यूज़िक होता है वो अपने आप में एक कहानी दर्शाता है, और लोगों का उस पर ध्यान जाता है कि यहाँ पर अलग नहीं कुछ बेहतर ही नहीं अटेम्प्ट हुआ है। इस फिल्म को लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा शोर ये वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन एक कहानी अपने आप में बयां कर रहा है, गणेश आचार्य टाइटल में मैंने वो भी पढ़ा, तो ये सारे एलिमेंट्स को लाना, बिकॉज यू हैव बंदूक स्ट्रॉन्गली देयर, एक्सप्लोसिवनेस जिसको बोलते हैं, एक शायद बहुत बड़ा एलिमेंट होगा इस फिल्म में, तो उससे कुछ ढलना पड़ा, अपने आप को कुछ करना पड़ा वहाँ पर काम? देखिए आप जो काम करते हो ना, आप काम करते भी हो और सीखते भी हो, तो मैंने ये फिल्म के प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा भी, मतलब ये एक्शन जो है, एक्शन कैसे करते हैं, तो मेरे फिल्म में पहले जो एक्शन होता था बहुत रियलिस्टिक होता था, जो अपने आप कर देते, एक्शन डायरेक्टर नहीं था, डांस भी जो होता था डांस डायरेक्टर नहीं था। इस फिल्म में एक्शन डायरेक्टर है जो गणेश आचार्य डांस डायरेक्टर है, तो गणेश के गणेश नाम के ही सेम हमारे एक्शन मास्टर हैं, तो इन दोनों को देख के मैं बहुत कुछ सीखा। गणेश आचार्य जी को काम करते हुए देखकर मुझे एक कहते हैं ना कि कुछ शायद जो बात थी कि मैंने आज तक नहीं की थी, जो उनको देख के मुझे सीखने को मिली, फाइट के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं हर तरीके का काम करना चाहता हूँ, और अगर आगे करूँगा तो ये शायद मेरे लिए बहुत कारगर फिल्म रही कि मैं बहुत कुछ सीखा, और थोड़ा सा बदलना पड़ता है आपको जो कहानी है उसकी उसी तरीके से काम करना पड़ता है, और ख़ुद को भी ढालना पड़ता है, और फिल्म जो आप लिखी है जो बनाना चाहते हैं वो बनाने के लिए आपको हर एक काम करके
अल्टीमेटली वही फिल्म बनानी पड़ती है। बिल्कुल, सोशल एलिमेंट, सोशल जो सबटेक्स होते हैं आपके फिल्म में बहुत ही बखूबी नज़र आते हैं, वो जो मोटिव होते हैं हर एक दिग्दर्शक के, वो दिखते हैं आपके फिल्म में कि आप ये जताना चाहते हैं, इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, इस पर कॉमेंट्री करना चाहते हैं। इस फिल्म को लेकर क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं यार ये तो शायद मराठी वर्जन, एक्सप्लोसिव वर्जन ऑफ सिंघम या दबंग है, लेकिन हम जानते हैं बतौर डायरेक्टर बतौर एक्टर आप कुछ अलग ही करते हैं, तो क्या एक बोलते हैं ना किसी को मैं मोल्ड ब्रेक करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इधर? मैं भी कहना नहीं चाहूँगा कि क्या है, और मैं कहना अच्छी बात भी है नहीं। जो भी आपको लग रहा है कि क्या होगा इस फिल्म से, क्या इंटरप्रेट होगा या सब टेक्स्ट क्या है, तो आप फिल्म देख के ये आप मतलब आप राय बनाइए। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरी पहली फिल्म से ये अलग फिल्म है और ये थोड़ा इंटरटेनिंग भी है, लेकिन पूरा मतलब ये नहीं, सेंसिबल भी है, तो अब देख के आप ये करिए। मेरा आखिरी सवाल, इतने सारे किरदार दिख रहे हैं, बहुत ही इंटेंस ड्रामा दिख रहा है, और एक मराठी ऐसी फिल्म जो प्रॉमिसिंग है, इतने स्केल पर है, जिसको हम बोलते हैं ना एक स्केल पर माउंट की गई है, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक, एक सब्जेक्ट जो ऐसा लगे ढांसू वाला, हिंदी में आप बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, झुंड फिल्म से आपने इतना प्रभावित किया, उसका स्टाइल अलग था, उसका टेक्स्चर अलग था, उसकी ट्रीटमेंट अलग थी। तो अब ऐसा होता है कि मराठी वाले बोलते नहीं 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 अब तो वो हिंदी वाला हो गया, या हिंदी वाले बोलते नहीं यार इज गोइंग बैक टू मराठी सिनेमा, व्हाट इज ही डूइंग? ऐसा कुछ नहीं, और ऐसा कौन कहेगा कहने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, हम बोलते हैं। और मैंने पहले ही कहा था आपको कि जो मुझे लगता है वो करता हूँ, अब मराठी फिल्म है तो मराठी किया, जब हिंदी लगेगा कि ये फिल्म हिंदी करनी है हिंदी करूँगा, करते रहूँगा। डायरेक्शन करने में मुझे मज़ा आता है, फिल्म बनाने में मज़ा आता है, फिल्म एक अलग लैंग्वेज है, उसका मराठी हिंदी से मैं ज़्यादा ये नहीं करता हूँ। घर बंदूक बिरयानी, तीन वर्ड्स हैं एक टाइटल में, आप कैसे एक वर्ड में समराइज करोगे फिल्म को? इसको एक वर्ड में तो पता नहीं, लेकिन अलग है, अलग है, अलग अलग। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। थैंक यू, आपको भी बहुत सारी इज्जत दीजिए। थैंक यू।